70 वर्षीय बुजुर्ग को लोगों ने बताया पागल, आज अकेले ही खोद रहे हैं 3 किलोमीटर लंबी कैनल। आज हम आपको एक ऐसे ही 70 वर्षीय बुजुर्ग के बारे में बताने जा रहे हैं जो अकेले ही खोद रहे हैं 3 किलोमीटर लंबी कैनाल। यस, इस शख्स का नाम है लौंगी भुइया। दोस्तों, इनके लिए एक लाइक तो बनता ही है। लौंगी आज पूरे गांव के लिए सिंचाई के लिए अकेले ही पानी की व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए वो अकेले ही 3 किलोमीटर लंबी कैनल खोद रहे हैं। हालांकि कई लोग उन्हें आज भी पागल ही समझते हैं, लेकिन उनके काम के महत्व को लोग आने वाले समय में जरूर समझेंगे। आइए जानते हैं लौंगी भुइया के बारे में। दशरथ की तरह ही एक और 70 वर्षीय बुजुर्ग शख्स हिम्मत की मिसाल पेश कर रहा है। लौंगी बिहार के नक्सल ग्रसित बांके बाजार के सुदूर लुटुआ पंचायत के जमुनिया आहार कोठी लवा गांव के निवासी हैं। पिछले कई वर्षों से लौंगी जल संरक्षण के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। लौंगी लगातार इस काम में जुटे हुए हैं कि उनके गांव में सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो सके। इसके लिए वो खुद ही कैनल खोदने का प्रयास कर रहे हैं। आज लौंगी को कैनल मैन के नाम से जाना जाता है। आज उनके प्रयास को देखकर हर कोई हैरान है। आज वो पहाड़ से आने वाले पानी को खुद ही संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि उस पानी को सिंचाई में इस्तेमाल किया जा सके। इसके लिए खुद के दम पर ही लौंगी 3 किलोमीटर लंबी कैनाल भी खोद रहे हैं। इससे पहले भी वो 3 किलोमीटर लंबी पाइप की खुदाई भी कर चुके हैं। हालांकि आज भी कई लोग ऐसे हैं जो उनके इन प्रयासों को नहीं समझते हैं। इतना ही नहीं, कई लोग तो उन्हें पागल भी कहते हैं। लौंगी रोजाना सुबह कैनाल खोदने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन दुख की बात तो यह है कि आज उनके कामों पर उनकी पत्नी और घर वालों को भी भरोसा नहीं है। आज भी उनके परिजन भी उनके इस काम पर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन लौंगी को इन सभी बातों की कोई परवाह नहीं है। वो लगातार अपने काम को करते ही रहते हैं। दोस्तों, ऐसे ही न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।